नमस्कार, आप प्रदेश तक देख रहे हैं। मैं नीरज द्विवेदी हूं। चुनावी वर्ष में मध्य प्रदेश में रैलियों और जनसभाओं का दौर शुरू हो चुका है। 9 जून को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भाजपा कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए शिवपुरी पहुंचे। यहां उन्होंने संवाद कार्यक्रम शुरू होने से पहले चंदेरी और चाचौड़ा विधानसभा के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की बैठक ली और उसके साथ आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर भी काफी देर तक चर्चा किया। केंद्रीय कृषि मंत्री ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अन्य राजनीतिक दलों की तरह हमारा उद्देश्य सिर्फ सत्ता प्राप्ति नहीं है, बल्कि भारत माता को परम वैभव के साथ शिखर पर पहुंचाना भी है। भारत श्रेष्ठ और विश्व गुरु बने, यही भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है। हम लक्ष्य प्राप्ति के काफी नजदीक पहुंच चुके हैं। यहां से हमारा लक्ष्य बिल्कुल ही साफ दिखाई दे रहा है। नरेंद्र सिंह तोमर ने आगे कहा, यदि आज से 10 साल पहले की बात करें तो दुनिया के बड़े और विकसित देशों में भारत की गिनती तक नहीं होती थी। G20 की बैठक की मेजबानी तो दूर की बात, भारत के प्रतिनिधियों को यूनो और G20 जैसे सम्मेलनों में पीछे की लाइन में खड़ा होना पड़ता था। परंतु आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और प्रभावशाली व्यक्तित्व के कारण दुनिया के राजनीतिक मंच पर भारत एक नई शक्ति के रूप में उभर कर सामने आया है। रूस यूक्रेन युद्ध हो या फिर किसी भी देश पर आई आपदा, आज पूरी दुनिया भारत की ओर उम्मीद भरी नजरों से देखती है। यह हमारी बढ़ती ताकत का परिचायक है। भाजपा सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए तोमर ने कहा, आज भले ही हमारा देश विकासशील देश है, परंतु मोदी के नेतृत्व में लक्ष्य तय किया है। कि 2047 तक भारत विकसित देश बन जाएगा। इसी लक्ष्य को लेकर भाजपा लगातार काम कर रही है। भारत को विकसित देशों की सूची में शामिल करने के लक्ष्य में सबसे बड़ी रुकावट थी देश में फैला भ्रष्टाचार का माया जाल। इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि स्वर्गीय राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, तब वह कहते थे कि हम केंद्र से जनता की भलाई के लिए 100 रुपए भेजते हैं तो गांव तक जाते जाते केवल 15 रुपए ही रह जाते हैं। लेकिन आज भाजपा सरकार ये दावे के साथ कह सकती है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का 1 करोड़ रुपए सीधे किसानों के खाते में पहुंचाकर देश से भ्रष्टाचार को समाप्त किया जा रहा है। हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान को लेकर दुनिया के कई देश हमारे आलोचक भी हैं, पर इसके बावजूद भी जब बात भारत की अर्थव्यवस्था की होती है तो उन्हें यह कहने में बाध्य होना पड़ता है कि भारत बहुत तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था वाला देश है। मंत्री तोमर ने कहा कि बड़े लक्ष्य रखकर अपनी मेहनत से उन्हें पूरा करना तो भारतीय जनता पार्टी की जड़ों में है। जब 1951 में डॉक्टर मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने दल का गठन किया तो उस समय भाजपा जनसंघ के पास 10-20 कार्यकर्ता हुआ करते थे। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के पास केंद्र से लेकर राज्य तक पूरी सरकार उसके कंट्रोल में थी। इतनी बड़ी और मजबूत पार्टी के विरुद्ध अपनी पार्टी को खड़ा करना और उसे देश की सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाकर जनता की भलाई के लिए बीजेपी की सरकार बनाने की जिज्ञासा हमारे नेताओं ने रखी। इसलिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा कि एक देश में 2 विधान 2 निशान 2 प्रधान नहीं रहेंगे।